नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। फिल्म मेकर अली अकबर ने कहा, मदरसे में मेरा भी हुआ था यौन शोषण। मलयालम फिल्म मेकर अली अकबर ने दावा किया है कि मदरसे में तालीम के दौरान उस्ताद ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। उन्होंने बताया कि जब वह चौथी जमात में थे तब उस्ताद ने उनके साथ अप्राकृतिक सेक्स किया। अकबर ने कहा कि उस्ताद ने क्लास के सभी छात्रों का यौन शोषण किया था। अली ने बताया कि वो मदरसा कांथापुरम मुसलियार की ओर से ही चलाया जाता था। अकबर के मुताबिक घटना के बाद वे कभी मदरसे नहीं गए और अपने बच्चों को कभी भी मदरसे में तालीम के लिए नहीं भेजने का फैसला किया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले एक मुस्लिम महिला पत्रकार बीबी राजीना ने अपनी फेसबुक पोस्ट में खुलासा किया था कि उनके बचपन में किस तरह से मदरसे के उस्ताद लड़के व लड़कियों का यौन शोषण किया करते थे। लोकसभा में असहिष्णुता पर चर्चा, मोहम्मद सलीम के आरोप पर हंगामा। देश में असहिष्णुता की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में लोकसभा में सोमवार को असहिष्णुता के माहौल में चर्चा शुरू हुई। नियम 193 के तहत इस विशेष चर्चा को शुरू करते हुए माकपा के मोहम्मद सलीम ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर एक पत्रिका के हवाले से कुछ गंभीर आरोप लगाए, जिसका सिंह ने कड़ा प्रतिवाद करते हुए उसे खारिज कर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि इस आरोप से जितना आहत मैं आज हुआ हूं उतना पहले कभी नहीं हुआ। इस पर सलीम ने कहा कि वह गृह मंत्री को आहत नहीं करना चाहते थे और न कोई लांछन लगा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि इस पूरे मामले पर उनकी व्यवस्था आने तक सलीम के पत्रिका के हवाले से कही गई किसी बात को कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाए। पोलियो को दोबारा आने से रोकने वाला टीका जारी। पोलियो को दोबारा आने से रोकने वाला टीका सोमवार को सरकार ने जारी कर दिया और इसका इस्तेमाल पोलियो ड्रॉप पिलाने के साथ साथ किया जाएगा। इसका उद्देश्य वापस आ सकने वाले घातक वायरस से दोहरी सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन नामक इस टीके को सरकार के नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हालांकि भारत को प्रमाणिक तौर पर 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त देश करार दे दिया गया था, लेकिन पोलियो के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका पर हमलों के बाद मुसलमानों ने मनाया था जश्न, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मुस्लिम विरोधी दावा किया है। ट्रंप ने कहा था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए इस हमले के बाद उन्होंने न्यूजर्सी में हजारों मुसलमानों को जश्न मनाते देखा था। हालांकि तथ्यों की जांच करने वालों ने उनके दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में हुए आतंकवादी हमलों पर मुसलमानों पर दिया गया उनका बयान 100% सही है। महात्मा गांधी को मिले 8,500 खत होंगे प्रकाशित। अपने समय की महान हस्तियों के साथ महात्मा गांधी के विचारों के आदान प्रदान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने के प्रयास के तहत अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम ने गांधी जी को मिले 8,500 खतों को प्रकाशित करने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।